में तो आज का जो एपिसोड होने वाला है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट टू मीम्स का। तो जो मेरा पहला वाला वीडियो था उस पर हुआ यूँ था कि मैंने बनाया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको समझ नहीं पाया था कि वो होता क्या है। तो वो एक रिएक्शन वीडियो है, मैं बता देता हूँ थोड़ी देर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा टाइम लूँगा, मैं बता देता हूँ कि उस वीडियो को रिएक्शन वीडियो कहते हैं। उसमें एक चैलेंज होता है कि आपको वीडियोज़ देखनी है पर उसमें हंसना नहीं है, ये चीज़ होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है उसका। बट अभी आज मैं जो लेके आया हूँ दूसरा चैलेंज, ये भी थोड़ा ट्राई नॉट टू लॉफ का है, इसका सेकेंड पार्ट है। तो फटाफट चलते शुरू करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट स्टार्ट दिस। चलिए शुरू करते हैं, फिर वीडियो देखते हैं और आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए अब वीडियो आपके साइड में आता होगा, ये कुछ मीम टाइप के वीडियो में आ गया। लेट्स कंटिन्यू। ऑल सेट है तो चलिए मीम देखना शुरू करते हैं। सब सेट हो गए, मैंने हेड से आपको एक फनी क्लिप तैयार करनी पड़ती है, तो चलिए कंटिन्यू करिए, शुरू करते हैं। पहला मीम है आर टी एच का है, वेट फॉर इट। अरे इस चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे हम। इतनी बेइज्जती मेरी कभी भीख मांगने में नहीं हुई जितनी इससे वोट मांगने में होगी। नसीम टिम्मा तुझे बता दूं, एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट पांच मिले थे ना पिछली बार। रे कौन सा चिन्ह मिला है प्रधान जी? प्रधान जी गुस्सा पी जाने का कटिंग के माफिक, अगर आप उन्हें अपने चिन्ह की बेइज्जती करेगा तो ये पंटर लोग कैसे वोट डालेगा आप उनको। बहुत अमेजिंग भाई, सुंदर, सबसे महंगा चुनाव चिन्ह आप लोगों को मिला, ब्लैक में खरीदा। क्यों ब्लैक में खरीदा है? पर चिन्ह क्या मिला है प्रधान जी? सुवर मिला है। अरे प्रधान जी और सुवर में अंतर ही क्या रह गया, ऐसे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। इससे तो आसानी हो गई, कंफ्यूजन नहीं हुआ। बैनर पे मेरा फोटो लगा दो या सुवर का, एक ही बात। अरे प्रधान जी की तारीफ खुद अपने मुंह से कर रहे हैं, बता रहे हैं अबाउट उनके बारे में जो भी हो। तो ठीक था, पर इसने मुझे हंसी कंट्रोल करनी थी तो मैंने इसे हंसी नहीं किया। इसमें एंड में सलमान खान भाई हंस रहे हैं लेकिन मैंने नहीं हंसा। तो सेकंड मीम्स देखते हैं। सेकंड मीम्स, जैसा कि अभी चल रहा है शादी का समय चल रहा है, लेकिन सरकार ने कई गाइडलाइन कोरोना पे लेके जारी किया है कि जैसे कुछ, तो उन गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल करेंगे, सब कोई करेगा। तो गाइडलाइन में भी है कि एक बार में करीब 100 लोगों को ही जाने की अनुमति है। तो आप बारात जा रहे हैं लेके, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं आप? कम से कम 150-200 तो जाएगा ना सर। तो अगर 150-100 लोगों का गाइडलाइन आप 150-200 लेके जा रहे हैं और किसी को कोरोना हो जाता है, कोरोना फैल जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोरोना ये सब कुछ है नहीं, ये सब सिर्फ आदमी को चुतिया बनाने का काम हो रहा है और कोई कोरोना का काम नहीं है। कहाँ है कोरोना? कहीं नहीं है कोरोना। कहाँ है कोरोना? कहीं नहीं है कोरोना। ले यहाँ है कोरोना, आले समझ नहीं रहा है भाई, कोरोना है। सॉरी गाइस, खतरनाक था भाई, खतरनाक था। सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यार इतने खतरनाक भाई मीम्स में दम होते हैं। चलिए थर्ड हमारा था, ये थर्ड आरटीओ चालू का फिर है। इसके मुंह पे मारूंगा मास्टर के इंजीनियर बन के मैं, सीएस। अबे सिविल इंजीनियर बन के बता रही हूँ मैं, कसम से दीवाले चिन दूंगा नोटों की बोरियां सिल दूंगा, बोरियां सिलेगा तू? अबे मैं बैठे सीएस कर रही हूँ, बैठे कमा दूंगा पैसे, बैठे 10 का 2 किलो, 10 का 2 किलो लुट गया माल, लुट गया 10 का 2 किलो, तड़क तबड़कता माल है। नाजिम को कॉल करूँ, इंजीनियर बन गया होगा। हेलो नाजिम, इंजीनियरों का दर्द भाई कोई। अरे अब तो तुम नोटों की दीवाले चिन्ह हो गए इंजीनियर बन के, क्या पीछे ही है? बे भाई हंसना नहीं था गाइस, बट ऐसे ऐसे मीम्स है भाई कि देख के हंसी आ जाती है, तो हंसेंगे फिर वीडियो देखेंगे। और ये थर्ड है, व्हेन गर्ल्स बाय दारू दैट देन दे बॉयज राम सैनिटाइजर नहीं मांगा वे कुछ, सैनिटाइजर नहीं मांगा कुछ और, आलू का शरबत नहीं मांगा वे स्ट्रॉन्ग, इससे तो बाल धुलेगी, बियर, शैम्पू नहीं मांगा वे जहर, स्ट्रॉन्ग जहर बॉयज वेमेन Women.
नेक्स्ट कंटिन्यू विद थ्री। थ्री वाला ये हमारा है, थ्री वाला जो है वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल जी हैं। तो देखते हैं इसको। अरे पापा को बताना ना। ऐसा आ जाएगी, चलेगा? ठीक है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। ठीक है ले भैया वन फोर। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। देखते हैं थर्ड वाला, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्लास है, चलो आज मैं तुम्हें हिस्ट्री में अकबर का चैप्टर पढ़ाऊंगा। बोरिंग होता है। इंतजाम करो नाजिम, कल तकिया नहीं था मेरा, आज लाया हूँ। अकबर एक बहुत शक्तिशाली बादशाह था। उसका जन्म बहुत पहले हुआ था। उसकी बर्थडे पार्टी में हनी सिंह ने बहुत अच्छा गाना गाया था और गाने के शब्द कुछ इस तरह थे। बेबी 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 ओ बेबी 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 ओ बेबी का है बर्थडे बेस्ट। अकबर की बर्थडे पार्टी में बहुत अच्छे मोमोज बने थे। बच्चों बताओ अकबर कौन था? ऋतिक रोशन। जोधा भाई कौन थी? सेटिंग ही ऋतिक रोशन की। इतिहास कमजोर थोड़ी है, और सुन लो उससे पहले सलमान भाई जान की। चौथा मीम, दादा इधर आना दादा। नेक्स्ट मीम आइए देखते हैं। नेक्स्ट मीम, एक रुपया लूंगा मैं, उसे से ट्रांसफर हुआ मेरा इंटरनेशनल भिखारी हूँ, एक रुपया लूंगा मैं। हम लेंगे एक रुपया इंटरनेशनल भिखारी। सुनो, एक रुपया ही तो लूंगा मैं। अबे तू साले गरीब, मुझे पता थी तू गरीब है, लेकिन वो नाजिम नहीं करा है। नाजिम कहाँ है? अरे कुछ तरीका है भीख मांगने का, बहुत खतरनाक है भाई। अब बताओ, हंसी तो आई जाती है यार इस नस्ल देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।